कोलकाता केस पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई जारी है। सीबीआई को जांच की स्टेटस रिपोर्ट सौंपने वाली है। टास्क फोर्स में रेजिडेंट डॉक्टर्स को रखने की मांग की गई है। टास्क फोर्स में रेजिडेंट डॉक्टर्स को भी सुने, ये सुप्रीम कोर्ट ने कहा है। तो आपको बता दें कि आज फिर एक बार सुप्रीम कोर्ट में इस मामले की सुनवाई हो रही है। इसके पहले जब सुनवाई हुई थी तो सुप्रीम कोर्ट ने सुओ मोटो एक्शन लेते हुए सीबीआई को भी कहा था कि आप स्टेटस रिपोर्ट दें, और कोलकाता पुलिस को भी इस मामले में कहा गया था कि आप जवाब दीजिए। और अब यह कहा जा रहा है कि टास्क फोर्स में रेजिडेंट डॉक्टर्स को भी रखा जाए, जूनियर जो रेजिडेंट डॉक्टर्स हैं। सीधे मैं आपको लिए चलता हूं, मेरे साथ अंकित गुप्ता हमारे सहयोगी मौजूद हैं सुप्रीम कोर्ट से। अंकित, क्या जानकारी मिल रही है अदालत में, जो इस मामले में सुनवाई चल रही है, कुछ और पता चल पाया है? जी बिल्कुल, देखिए अभी जो सुनवाई चल रही है वहां पर वो जो हड़ताली डॉक्टर है, आंदोलनकारी डॉक्टर है, वो उन्होंने जो याचिकाएं दायर की हुई है उनके वकील अपनी दलीलें रख रहे थे। तो उस पर जो है सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हमने नेशनल टास्क फोर्स का गठन किया हुआ है और आप लोग जो है अपना प्रतिनिधि तय कीजिए कि कौन नेशनल टास्क फोर्स के सामने जाकर के अपनी बात रखेगा। और नेशनल टास्क फोर्स आपके जो भी ग्रीवांस है, यानी कि आपकी जो भी दिक्कतें हैं, जो भी शिकायतें हैं, उनको सुनवाई करेगी। लेकिन सबके बीच में मुख्य न्यायाधीश की एक टिप्पणी भी सामने आई है। उन्होंने कहा है कि हमको पता है कि डॉक्टर्स के ऊपर कितना दबाव होता है, 36 से 48 घंटे तक काम करते हैं। और उन्होंने एक अपना वाक्य भी, एक अपना अनुभव भी साझा किया कि मुझे पता है, एक बार जो है मेरा भी कोई रिश्तेदार जो है भर्ती था, तो मैं भी एक अस्पताल में जमीन पर सोया हूं जाकर के। तो मुख्य न्यायाधीश की तरफ से और सुप्रीम कोर्ट की तरफ से बताने की कोशिश की जा रही है कि डॉक्टर्स की जो तमाम दिक्कतें हैं के बारे में कोर्ट चिंतित है, कोर्ट अवगत है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि आप आंदोलन जारी रखें और मरीजों को परेशानी हो। इसी वजह से सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई शुरू होते सबसे पहले यह कहा कि आप अपनी हड़ताल खत्म कीजिए, काम पर वापस लौटिए, और आपको जो भी संरक्षण देना होगा, आपकी जो भी शिकायत होगी उसको हम सुनेंगे, हम उस पर विचार करेंगे। लेकिन अब इस मामले की सुनवाई जो है, जो मुख्य मामला है वो अगर हम कहें तो उस पर जो सुनवाई शुरू हो रही है, और वहां पर जो है अब यह बताया जा रहा है कि किस तरीके से CISF को तैनात किया गया है अस्पताल में, यानी कि हम बात कर रहे हैं कोलकाता के आरजीकर अस्पताल में कि किस तरीके से वहां पर CISF की तैनाती कर दी गई है सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद में। और अब यहां पर जो वकील है वो यही बताते हुए कि सार्वजनिक हॉस्पिटल में इतनी दिक्कतें हैं उसे बताते हुए, हमारे पास भी कई ईमेल आए हैं, ये जो है मुख्य न्यायाधीश कह रहे हैं। लेकिन अब जो महत्वपूर्ण चीज है वो ये भी बताया गया है कि CISF की सुप्रीम कोर्ट ने जो पिछली सुनवाई हुई थी दो दिन पहले जो आदेश दिया था कि वहां से कोलकाता पुलिस को हटा करके CISF की तैनाती की जाए, तो वो तैनाती हो गई है। और वो क्यों महत्वपूर्ण है, जो पिछली सुनवाई थी, जो आदेश था, उससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा था कि हमको आरजी करके जो डॉक्टर्स हैं, जो वहां पर जो है डॉक्टर प्रोटेस्ट कर रहे हैं, आंदोलन कर रहे हैं, उनमें एक भरोसा बढ़ाना होगा, क्योंकि जो 14 और 15 की दरमियानी रात में जो घटना हुई थी उसके बाद में किसी का भरोसा नहीं रहा है कोलकाता पुलिस पर, लिहाजा जरूरी है कि उन डॉक्टर्स को भरोसा दिया जाए। और ये क्यों महत्वपूर्ण है, ये इस वजह से महत्वपूर्ण है जिससे कि अगर वो डॉक्टर, यानी कि आरजी करके अस्पताल के डॉक्टर जो काम पर वापस लौटते हैं, तो देश भर में डॉक्टर काम पर वापस लौट सकते हैं। अब एक और अपडेट आया है, एक महिला वकील ने बताया है कि आरजी कर अस्पताल के डॉक्टर अभी भी डरे हुए हैं, बहुत कम डॉक्टर ड्यूटी ज्वाइन की है। यानी कि जो एक महिला वकील है जो कोर्ट में पेश हुई है, उन्होंने बताया है कि आरजी करके डॉक्टर कितने ज्यादा अभी भी डरे और सहमे हुए हैं। मुख्य न्यायाधीश की टिप्पणी, उनका यह कहना है कि ये तो बहुत चिंताजनक है। सॉलिसिटर जनरल, हम CISF से उनकी सुरक्षा के लिए कहेंगे। यानी साफ तौर पर कोर्ट को अभी अवगत करवाया गया कि आरजी करके डॉक्टर अभी भी काम पर वापस नहीं लौट पा रहे हैं। इसकी वजह यह है कि वो डरे और सहमे हुए हैं, जिस पर मुख्य न्यायाधीश की जो है टिप्पणी सामने आती है कि ये बेहद चिंताजनक, जिसके बाद में सॉलिसिटर जनरल जो कि जो है केंद्र सरकार के वकील हैं, उन्होंने ये कहा है कि हम CISF से कहेंगे कि उनके ऊपर जो उनका भरोसा है वो वापस लौटे डॉक्टरों का, और उनकी सुरक्षा सुनिश्चित की जाए। जी अखिलेश, बिल्कुल। तो इस मामले की सुनवाई चल रही है और आप अंकित से जान रहे थे, पूरी विस्तार से उन्होंने जानकारी दी है कि इस बाबत अब तक क्या कुछ कहा गया है। लेकिन अंकित, जरा ये भी बताइए, एक प्रमुख पहलू कोलकाता पुलिस का भी है, क्योंकि जो तोड़फोड़ की घटना हुई थी उससे अदालत बहुत ज्यादा उस दौरान नाराज थी। कहा यह गया था कि 100% वहां जिम्मेदारी बनती थी पुलिस की कि इस घटना को रोकें, क्योंकि जो घटना स्थल है, जो मौकाए वारदात थे, वहां पर साक्षियों के साथ छेड़छाड़ कैसे हुई, क्या इस बारे में भी आज कुछ कोर्ट में हो सकता है? अखिलेश, पहले एक अपडेट आया है वो दे देता हूं। यहां पर देखिए, एक वकील ने कोर्ट को क्या बताया है, उन्होंने कोर्ट को बताया कि जो पूर्व प्रिंसिपल थे उनके पास में, उनको जिम्मेदारी थी, उनके पास में पैसा था 14 लाख रुपए, और उस 14 लाख रुपए का क्या करना था, अस्पताल परिसर में CCTV लगवाने थे।
और अगर वो सीसीटीवी लगे होते तो इस तरीके की घटनाओं पर नजर रखी जा सकती थी। और जो एसआईटी जो जिसका गठन किया गया है उसका कंट्रोल भी किसके पास में है? वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट के पास में, यानी कि पश्चिम बंगाल गवर्नमेंट के पास में, सरकार के पास में। और ऐसे में एसआईटी के ऊपर एक तरह से सवाल खड़ा किया गया है कोर्ट में सुनवाई के दौरान, और ये बताने की कोशिश की जा रही है कि जो पूर्व प्रिंसिपल थे उनके पास में पैसा था सीसीटीवी लगवाने का, लेकिन वो सीसीटीवी नहीं लगवाया गया। यानी साफ तौर पर यह बताने की कोशिश है कि किस तरह से वहां कमियां रही हैं, किस तरीके की दिक्कतें थी। एक अपडेट आया है, अपडेट ये आया है सॉलिसिटर जनरल यानी केंद्र सरकार के वकील से ने कहा है कोर्ट से, आप कृपया स्टेटस रिपोर्ट को देखिए। यानी कि खबर क्या है? खबर यह है कि सीबीआई की, संभवतः ये उसी रिपोर्ट की बात हो रही है जो कि सॉलिसिटर जनरल ने कोर्ट को सौंपी है। अच्छा अंकित, एक बात बताइए, आप थोड़ी देर पहले भी जानकारी दे रहे थे कि ये जो रिपोर्ट है ये सीलबंद लिफाफे में वहां रखी जाएगी अदालत में, इसका मतलब ये चीज अभी पब्लिक डोमेन में नहीं आएगी कि अब तक की तहकीकात में क्या बातें सामने आ रही हैं? जी, ये जो पब्लिक डोमेन में आना मुश्किल है, लेकिन इस सबके बीच में एक बड़ी इन्फॉर्मेशन एक और आ रही है। सॉलिसिटर जनरल ने कोर्ट से क्या कहा है? कोर्ट से कहा है कि आप पेज नंबर 10 और उसका पैरा 7 पढ़िए। यानी कि संभवतः पेज नंबर 10 और पैरा 7 में सीबीआई की तरफ से बताया गया है कि उसकी इन्वेस्टिगेशन कहाँ पहुँची है और किसका क्या रोल है। और जिस बात का जिक्र अभी आप भी कर रहे थे कि क्या सार्वजनिक होगी, मुझे इस बात की जो है उम्मीद बहुत कम है। और क्योंकि जो है जो कोर्ट की प्रक्रिया का भी अगर हम बात करें तो सीबीआई की जांच चल रही है, सीबीआई के जांच के तमाम पहलू ऐसा नहीं है कि पब्लिक डोमेन में ले आए जाएंगे, और इसी वजह से सीबीआई ने सील्ड बंद लिफाफे में ये रिपोर्ट दी है। लेकिन अब ये जरूर कहा गया है कि इसमें कुछ महत्वपूर्ण पहलू हैं और कोर्ट को उस पर विचार करना चाहिए। तो यहाँ ये जरूर कहा जा सकता है, क्योंकि सॉलिसिटर जनरल है और वो सीबीआई को भी रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो अब सीबीआई की रिपोर्ट कोर्ट में पेश हो गई है। अखिलेश, इस वक्त के लिए ये बड़ी खबर है कि सील बंद लिफाफे में सीबीआई की रिपोर्ट जजों के सामने कोर्ट में पेश कर दी गई है। दर्शकों को बता दें, बड़ी खबर अंकित, मैं आपके पास आता हूँ।